15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी विनिंग अ रेस इज 1/4 एंड क्यू विनिंग द सेम रेस इज 1/6 देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विन। इसका मतलब कि हम लोग को यहां पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, यहां पे क्या निकालना है कि पी मतलब ना पी और क्यू दोनों ना जीते, इसका प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी दो इवेंट मान ली ई और ए कि पी जीतेंगे जीतेगा या क्यू जीतेगा, ठीक है। तो पी कितना दिया था 1/4 और पी ए 1/6। क्वेश्चन में दिया था कि पी के जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/4 और क्यू के जीतने का मतलब पी ए 1/6। हम लोग क्या निकालना था, नो विल विन, इसका मतलब पी ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। तो फिर ये भी इंडिपेंडेंट है तो पी ई बार इंटू पी एफ बार हो जाएगा। तो पी ई बार कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 1/3/4 और 1 - 1/6 5/6। सॉल्व करेंगे हम लोग को 5/8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% केसेस, बी इन 80% केसेस, इन व्हाट परसेंटेज केसेस दे आर लाइकली कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग सेम फैक्ट। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए सच बोलता है 75% केसेस में, मतलब 75% प्रोबेबिलिटी है, और बी जो है 80% में। तो इसका क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोगों को कि या परसेंटेज निकालना है कि कौन से केसेस में वो जो है कंट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे का विरोध करेंगे। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना होता है, या इसका मतलब क्या होगा कि या जब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा और जब बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। इसका मतलब कि चलिए देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो इवेंट मान लिए, ए स्पीक्स द ट्रूथ और बी स्पीक्स द ट्रूथ, ई और एफ इवेंट है। तो पी कितना हो जाएगा, ए स्पीक ए के सच बोलने के प्राइक था 3/4 क्योंकि 75% था, और पी एफ कितना होगा 80% 4/5। तो हम लोग क्या निकालना था कि पी ए एंड बी विल कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बार और पी ई बार इंटरसेक्शन एफ मतलब ए स्पीक्स द ट्रूथ देन एफ टेल्स अ लाई, एफ झूठ बोलेगा उस समय में, फिर ई बार इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट करेंगे। तो पी फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है मतलब मल्टीप्लाई होगा, पी कितना था 3/4 और पी एफ कितना था 4/5, इसका मतलब पी एफ बार कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ पे पी कितना होगा 3/4 था तो वो 1 - 1/4 कैलकुलेट करेंगे 7/20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, टू पर्संस ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 3 एंड विंस अ गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ए और बी गेम खेलते हैं, डाइस फेंकते हैं, अगर जिसको भी 3 आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए, अब सॉल्यूशन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हम लोग एक इवेंट ई मान लिए कि 3 आने की मतलब का इवेंट ई मान लिए हम लोग, तो पी कितना हो जाएगा 3 आने का 1/6। जब डाइस फेंकते हैं तो हर एक जो भी डिजिट्स होते हैं 1 से 6 तक वो सब लाइक मतलब इक्वली लाइकली होते हैं, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी विनिंग ऑफ ए, अगर ए और बी खेलना है तो ए शुरुआत किया तो हम लोगों को ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, या तो पी मतलब या तो उसको फर्स्ट बार में ही 3 आ जाए, या फिर फर्स्ट बार में इसको ना आए और फिर सेकेंड जब बी खेलेगा तो उसको भी ई मतलब ना आए, और फिर थर्ड में ई को मतलब ए को आ जाए। फिर इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट में भी ना आए, सेकेंड में भी मतलब बी को भी ना आए, फिर ए को ना आए, फिर बी को ना आए और फिर ए को आ जाए, ऐसे ही चलते रहेगा। तो अब यहाँ पे ई बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पी तो पी ई कितना आया हम लोग का 1/6 आया, फिर पी ई बार कितना जाएगा 1 - 1/6 मतलब 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, ऐसे ही चलते रहेगा ये। अब इसको देखेंगे तो ये क्या है, जीपी में है, तो जीपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/6, और जीपी में जब इनफाइनाइट सम आता है तो हम लोग का उसका फॉर्मूला होता है ए बाई 1 - r होता है, ए बाई
वन माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला था ए बाई वन माइनस आर, तो वन बाई सिक्स माइनस बाई वन माइनस कितना है 25/36 हो जाएगा इसका आर, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 6/11, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा सही इतना ही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जब हम लोग को पी ए मतलब विनिंग ऑफ ए आया 6/11, तो पी विनिंग ऑफ बी कितना आ जाएगा 1-6/11, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए और बी खेलना है तो दोनों में से कोई एक जीतेगा ही, तो 1-6/11 कितना जाएगा 5/11, मतलब कितना आ गया हम लोग का 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि 3x फर्स्ट कंटेन 7 white 8 red, सेकेंड में 9 white 6 red एंड थर्ड में कितना है 5 white and 7 red balls। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ द सेम कलर। तो जब तीन बैग से एक एक बॉल निकाला जाता है तीनों से, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि तीनों सेम कलर का होगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो तीनों से वाइट निकले या फिर तीनों से रेड निकले, तो हम लोग क्या करना होगा दोनों को जोड़ना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बैग वन कंटेन 7 white 8 red, बैग टू 9 white 6 red एंड बैग थ्री 5 white 7 red, तो पी ऑल ऑफ थ्री आर सेम मतलब सेम कलर क्या होगा, ऑल थ्री बॉल्स आर वाइट और ऑल थ्री बॉल्स आर रेड। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा, तो फर्स्ट से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7, मतलब 7 वाइट है तो 7 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15, वैसे यहाँ पे 9 by 15 5 by 12, और फिर प्लस में रेड निकालने का, तो यहाँ पे 8 by 15 हो जाएगा 6 by 15 इसमें, और इसमें कितना हो जाएगा 7 by 12 रेड निकालने का। जब कैलकुलेट करेंगे जोड़ करके, यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा कितना जाएगा 217/900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए बैग हैज 4 red and 5 black balls एंड सेकंड बैग 3 red and 7 black balls, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एंड टू फ्रॉम सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 balls 2 are black and 1 is red। मतलब दो बैग है 1 और 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड बैग है, जिसमें से एक बॉल फर्स्ट बैग से और दूसरे से दो दो बॉल निकाल आता है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पे 2 are black and 1 is red, दो ब्लैक होना चाहिए 1 रेड होना चाहिए, किस किस बैग से ब्लैक और किस रेड किससे रेड ये मतलब नहीं है, बस दो ब्लैक और रेड होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व। हम लोग को दिया क्या गया था, बैग वन कंटेन 4 red and 5 black और बैग टू कंटेन 3 red and 7 black, तो हम लोग को पूछा गया था 2 are black and 1 is red इसका प्रायोरिटी। तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट बैग जो हो फर्स्ट बैग से यहाँ पे रेड निकले और सेकेंड और मतलब सेकेंड से दोनों बॉल ब्लैक निकले, या फिर फर्स्ट बैग से ब्लैक निकले और सेकेंड और थर्ड से रेड और ब्लैक निकले, या फिर फर्स्ट बैग से ब्लैक और सेकेंड से ब्लैक और फिर रेड, इस तरीके से तीनों में हम लोगों को कितना आएगा 2 black and 1 red बॉल आएगा। तो देखिए फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/9, और सेकेंड बैग से कितनी कितना हो जाएगा 3/10 मतलब ब्लैक बॉल निकालने का 7/10 इंटू यहाँ पे देखिए 6/9 किए हैं, क्यों, क्योंकि जब एक बॉल निकाल लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 red रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जब एक बॉल निकल जाएगा तो, ठीक है, अगर 6 हो जाएगा तो 3 ये क्या कहता है 6/9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट से ब्लैक निकालेगा 5/9 इंटू यहाँ पे, फिर अगर इसे रेड निकलेगा 3/10, अगर 3/10 निकालेंगे मतलब अगर यहाँ से रेड बॉल निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 red बॉल बचेगा, मतलब टोटल बॉल्स 9 हो जाएगा, तो फिर जब ब्लैक निकालेंगे तो क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी 7/9। इसी तरीके से यहाँ पे 5/9 फिर से हो गया ब्लैक बॉल का, और फिर यहाँ से 7/10, लेकिन फिर एक बॉल निकल जाएगा तो फिर 3 और 6 आ जाएगा 3 red और 6 black, तो इस तरीके से 3/9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3/9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आएगा 7/15, इसको जोड़ के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,